ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और रुख करेंगे कुछ और खबरों का। देवघर में रोपवे हादसे के बाद नालंदा में भी प्रबंधन चौकन्ना हो गया है। राजगीर में बने रोपवे के पास अब भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। वहीं जी बिहार झारखंड की टीम ने नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर रोपवे की पड़ताल की। ये रिपोर्ट देखिए। देवघर में रोपवे हादसे के बाद चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में 48 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इसमें कुल 4 लोगों की मौत हुई। वहीं देवघर में रोपवे हादसे के बाद बिहार के नालंदा में रोपवे प्रबंधन चौकन्ना हो गया है। जी बिहार झारखंड की टीम ने नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर रोपवे की पड़ताल की। ऑफ सीजन के बाद भी 300 से 500 पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं। यहां अभी ज्यादातर बिहार, बंगाल और तिब्बत के पर्यटक दिखे, जो देवघर हादसे से बेखौफ निडर होकर रोपवे का लुत्फ उठा रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद पर्यटकों ने हालात को सामान्य बताया। इसके साथ ही पीने का पानी और कूलिंग के साथ ही बच्चों का किराया कम करने की बात कही। देखिए, रोपवे तो बहुत अच्छा है, लोगों को घूमने के लिए, जाने के लिए, स्तूप देखने के लिए ठीक है। लेकिन कुछ गवर्नमेंट से हमको रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट यह है कि कम से कम 5 वर्ष के बच्चे को फ्री करना चाहिए। हम यहाँ घूमने शीतलकुंड देखने आए थे। अच्छा, और आपने रोपवे पे घूमा? हाँ, रोपवे घूमा पूरा। अच्छा, कैसा लगा सर, क्या कुछ इंतजाम है? उसमें थोड़ी इम्प्रूव करने की जरूरत है। अच्छा, क्या कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है सर? उसमें थोड़ा एसी लग जाता ना तो बढ़िया रहता। अच्छा इंतजाम है, थोड़ा पानी का अरेंजमेंट नहीं था। अच्छा, बाकी बहुत अच्छा है। बहुत कहाँ से आप आए हो? पंजाब से स्पेशली घूमने के लिए? हाँ, घूमने के लिए आए। अच्छा, पटना साहिब आए थे गुरुद्वारा में। अच्छा, वहीं रोपवे प्रबंधक गौरव कुमार की माने तो यहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। सुबह रोपवे शुरू करने से पहले सारी चीजों को जांच कर ली जाती है, उसके बाद जो भी त्रुटि हो उसे मेंटेन किया जाता है। हम लोग का एक मेंटेनेंस शेड्यूल है और वो हम लोग विदाउट मेंटेनेंस शेड्यूल को किए हुए रोपवे का जो पब्लिक ऑपरेशन है वो हम लोग नहीं करते। बहरहाल, जिस तरह से देवघर में भीषण हादसा हुआ है उसके बाद प्रबंधन के साथ ही पर्यटकों को भी सावधानी बरते जाने की जरूरत है। मोहम्मद महमूद आलम, जी मीडिया।